BMW बाइक खड़ी हुई है। वैसे भैया कल ना बहुत बुरी तरीके से गिरी थी। सुन बस, इनके नखरे बहुत है। मेरे नखरे बहुत है भाई। किस बात के नखरे है? मिर्ची लग रही है तो मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि भैया मिर्ची कम डाल या मत डाल, हल्की कर। क्या कर रही है यार इतनी मिर्ची, कौन खाता है यार? शक्ल से पता लगता है। देखो कमीने के दोस्त भी कमीने। इसकी मेरी पता है क्यों बनती है? हम दोनों एक जैसे ही कमीने। अच्छा, मैं तेरे जैसा नहीं हूँ। भगवान भी सबको सोच समझ के देता है, जितनी देरी थी उतना दिला दिया। बहुत कमीना है भाई, बहुत कमीना है। ये क्या कर रहा है? कह रहे हैं सेवा थोड़ी मांगन बोता। अच्छा, सुबह सुबह ऐसे क्यों बैठ जाती है? मेरे को ये नहीं समझ में आता है। जब भी सुबह होती है ना, ये पता नहीं क्या क्या लगा लेती है। क्या हो गया तेरे मुंह पे यार? ये तेरी स्किन खराब हो रही है, देखियो जरा, ये तेरी स्किन खराब हो गई है। क्या हो गया ये? हाँ, ये क्या है? ये क्या? What is this? वैसे एक सच्ची बात बताऊँ, जब मैं सुबह सुबह कैमरा ऑन करके ना इसको ऐसे छेड़ता होता हूँ ना, तो भैया ये बहुत ज्यादा वाला कलपती होती है। कोई चक्कर नहीं है, इसको थोड़ा सा ना कल पाने का। मेरे को बहुत ज्यादा वाला मजा आता है यार। आपको मजा आता है कि नहीं आता यार? जल्दी बताओ यार। ताकि हम इसी के साथ अपना आज वाला ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट्स अप गाइस, की हाल चाल, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और यहाँ पर देखो मैंने टी शर्ट भी वही वाली पहनी हुई है जिसमें लड़का ना सेल्फी खींच रहा है। ये रवनीत, कैसे के राजमा चावल तूने बनाए हैं यार? ये इसके अंदर इतनी ज्यादा मिर्ची थी ना, मतलब कोई बदला ले रही है क्या इतनी मिर्ची डाल डूल के यार? नहीं, मेरे को तो बिल्कुल भी मिर्ची नहीं लग रही। आपको पता नहीं क्यों लग रही है? मैं नमक डालती हूँ, मैंने तो मिर्ची नहीं डाली। नहीं, आपको हर चीज में मिर्ची लगती है। मेरे को तो अच्छा लग रहा है, तारीफ तो बिल्कुल भी नहीं करते। बताओ मैं तेरे को, इसके अंदर मिर्ची पता है कितनी ज्यादा थी? मैंने कितनी मुश्किल से खाई है मैंने यार, तेरे को पता है? मतलब मिर्ची ना खाया भी नहीं गया, इतनी मिर्ची तूने डाल दी यार इसके अंदर। आपको बस इनके नखरे बहुत है। मेरे नखरे बहुत है भाई। किस बात के नखरे है? मिर्ची लग रही है तो मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि भैया मिर्ची कम डाल या मत डाल, हल्की कर। क्या कर रही है यार इतनी मिर्ची, कौन खाता है यार? पता है मेरे को ना, मैं जब जाऊंगा ना, मैं टॉयलेट जाऊंगा ना, जब मैं तो उस टाइम पे जब मैं करूंगा ना, मेरे को पता कैसे अलग होगा यार तेरे को। मतलब मैं कैसे बताऊँ यार, तू यार समझ ही नहीं रही यार, मिर्ची डाली जा रही है यार। अरे आप तो सिर्फ गुलाब जामुन खाते हो, फ्रिज में पड़े खा लो। हाँ, मतलब मैं हर वक्त गुलाब जामुन खाऊं, मतलब राजमा चावल के अंदर गुलाब जामुन को ना ऐसे ऊपर पहले क्रश करके फिर डालूं फिर खाऊं, तेरा कहने का ये मतलब है? राजमा चावल गुलाब जामुन यार, क्या है यार ये? मतलब पागल है यार ये तो यार। जा यार, जा तू जा। BMW बाइक खड़ी हुई है। वैसे भैया कल ना बहुत बुरी तरीके से गिरी थी। मेरे को तो लगा था कि भैया इसकी ये ना फाइबर बॉडी है तो कहीं ना कहीं टूट टूट ही ना जाए, बट पापा जी की कृपा से ना ये बच गई है। सिर्फ यहाँ पर ना ये देखो, ये स्क्रैच पड़ गए हैं, ये स्क्रैच पड़ गया है, ये पड़ गया है, मतलब थोड़े से ना स्क्रैच आए हैं। अदरवाइज बाइक बिल्कुल ठीक है ओवरऑल, मतलब अगर हम दूर से देखें ना तो बाइक बिल्कुल ठीक है। ये जो स्क्रैच है ना यार, ये मैं पेंट वगैरह कराऊंगा ना तो ठीक हो जाएंगे। अरे यार, मैं जस्ट अभी घर से बाहर निकला ही था और तू टकर गया यार। अब सारा दिन मेरा खराब चला जाएगा यार। ऐसे मत करा कर यार, हर वक्त बाहर खड़ा रहता है। मैकेनिक का काम छोड़ के चौकीदारी शुरू कर दी साहब। वैसे ना तेरी शक्ल से ना साफ पता लगता है कि तू बहुत ज्यादा कमीना है, ठीक है? ज्यादा शरीफ मत बन के दिखाया कर, शक्ल से पता लगता है। देखो कमीने के दोस्त भी कमीने। इसकी मेरी पता है क्यों बनती है? हम दोनों एक जैसे ही कमीने। अच्छा, मैं तेरे जैसा नहीं हूँ। तेरे जैसा बन भी नहीं सकता। मैं बन ही नहीं सकता, तेरी तरह गाड़ियों के नीचे नहीं लेट सकता मैं। पता नहीं कभी गाड़ी के मेहनत करके खाने की आदत नहीं है ना बेटा, बाप के पास माल है बहुत, ठीक है ना? तेरे को बड़ा माल दिखता रहता है, प्रैक्टिकल है, मैंने देखा है। चौनी का खर्चा नहीं है, शराब तुम नहीं पीते, विस्की तुम नहीं पीते, चिकन तुम नहीं खाते हैं, तुम्हारे पापा बस जो पहना होता है वही। ये मुझे लगता नहीं तुमने पापा का बेटा भी होगा, अस्पताल में जरूर बदल गया। ऐसा क्यों लगता है तेरे को? तेरे पापा शरीफ आदमी है। तो मैं भी तो शरीफ आदमी हूँ। अरे यार, मेरी संगत तेरे साथ रही है ना एक्चुअली में बचपन में, तो लड्डू के साथ, लड्डू लड्डू फोन वाला लड्डू। लड्डू को बता दूंगा मैं, लड्डू काट लेगा और तू भी आ जाइयो लड्डू के साथ में। एक चीज बताऊं, मेरा बचपन ना बहुत ही खराब निकला है। बचपन के टाइम पे ना, मतलब मैं आज भी याद करता हूँ ना कि यार मेरे ऐसे घटिया घटिया ऐसे कमीने कमीने दोस्त थे मेरे, तो मतलब मेरे को लगता है यार मैंने बचपन में कुछ करा ही नहीं है यार। ऐसा है, भगवान भी सबको सोच समझ के देता है, जितनी देरी थी उतना दिला दिया। बहुत कमीना है भाई, बहुत कमीना है। ये क्या कर रहा है? कह रहे सेवा थोड़ी मांगन बोता। अच्छा चल ठीक है, चलता हूँ मैं। ओके बाय, काम कर, बाय बाय। घर से निकला था मैं चांदनी चौक जाने के लिए, पहले मैं स्कूटी पे जा रहा था, बट मैंने फिर नया रास्ते में सोचा कि भैया मेट्रो ही ठीक है, आराम से मेट्रो पे ना चले जाएंगे चांदनी चौक, क्योंकि भैया ये ना जल्दी पहुंचा देती है। मेट्रो आ गई मेरी पहले, जरा मैं मेट्रो के अंदर तो घुस जाऊँ, पता लगे कि भैया फिर दोबारा से वेट करनी पड़ेगी। घुस गया। तो यहाँ पर हमने बैटरी रिक्शा ले लिया है मेट्रो स्टेशन से उतर के, अब हम जा रहे हैं मार्केट वाली साइड पे, तो वहाँ पर चल के ना जो दो चार काम है ना वो काम निपटाऊंगा, फिर उसके बाद आपको आगे मिलता हूँ, ठीक है?
जो भी काम होंगे वो भी थोड़े बहुत दिखा दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो सारी दिखाई नहीं जाती है ना, तो वो वाली बात है। लोग साइड पर आओ ना तो आपको ऐसे बंदर जरूर दिखेंगे भाई, मैं तो दूर से ही नहीं इसके निकलूंगा। हाँ जी मेरी नहीं है भाई, नहीं मेरे को नहीं पता भाई, मेरी नहीं है सॉरी, बंदर जरूर दिखेंगे। और भाई साहब हम इसके ना दूर दूर से निकलेंगे, कहीं पता लगे इसको हमारा कैमरा पसंद आ जाए और हमारा कैमरा छीन के ले जाए। नहीं अपने सारे काम निपटा के मैं आ चुका हूँ, अभी जस्ट हम आए हुए हैं। यार मैट लेना है मेन गेट के लिए, कौन सा गेट ले? ओ कौन सा गेट बोलो, कौन सा मैट ले बता, मेरी बात सुन, इधर तो आ, इधर आ, इधर आ। पक्का देख ले, मम्मा के पास तो नहीं जाएगा ना, मम्मा को तो नहीं याद करेगा ना, पक्का ना, बस सुन लिया। अरे तू जा, तेरे सामने मतलब तेरी कोई वैल्यू नहीं है, जहाँ पर हरली आ जाती है ना वहाँ पर कहती है तू चल साइड चल साइड चल साइड, है ना, दो बजे तक तू एक काम कर, आज रात को शर्त लगा ले, ठीक है चल। देख मेरे पास मुझे पता है लगी शर्त चल भाई लग गई शर्त, ये तो मेरे को पता है कि मेरे पास नहीं रुकेगी, बट वो हरलिप के पास रुक जाएगी। वो देख घोड़ा तैयार हो गया उसका, तू घोड़ा छोड़ना बनती है, तू बन ही नहीं सकती है, तू हाथी बनेगी। बाय बाय, ठीक है आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। ओए जबजी जबजी, मम्मी जा रही है, मम्मी को बाय कर दे, मम्मी को बाय कर दे, जा रही है बाय कर दे, बस बाय, बता तेरी वैल्यू नहीं है भाई कुछ भी, चल ठीक है चल चलो। क्या खेल रहे हो बताओ? हम खेल रहे होम होम, और हम उसके लिए बेड यूज कर रहे हैं, और ये सोफा यूज कर रहे हैं, ये चेयर यूज कर रहे हैं, ठीक है, और थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान, ठीक है, और टेबल मैट यूज कर रहे हैं, ठीक है ये भी यूज कर लो, डेकोरेशन का सामान। मैं ऑफिस जाती हूं, ठीक है। लेडीज बुटीक पे जेंट्स बुटीक, भाई चेक कर रहे हो आजकल के बच्चे कितने शरारती हो चुके हैं, चेक कर ले, और एक मिनट दिखाना, देखो, और आजकल के मामू भी बहुत शैतान होने लगे हैं। मामू बेचारा बहुत सीधा सा है, मामू बिल्कुल शैतान नहीं है, बच्चे ज्यादा शैतान है, ये देखो। मारो मारो मारो, आपको और टॉपिक पे जाओ, आपको और टॉपिक पे जाओ, ठीक है बाय ठीक है। कल वाला दिन तो यार मेरा बहुत ही ज्यादा वाला बिजी गया, जो भी कुछ हुआ ना उसको मैंने थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्ड किया और आपके साथ शेयर किया है। सो आई होप कि आपको मेरी आज वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके प्यारा सा कमेंट करके अपनी अटेंडेंस लगाना, अटेंडेंस लगाए बिना बिल्कुल भी मत जाना, और साथ के साथ अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई को सपोर्ट करो, भाई को प्यार दो, आपके प्यार की जरूरत है। हाँ जी, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।